Hi, welcome back to my channel, guys, and welcome back to another episode of Cruising with Goldie. Guys, आज का जो video है वो बहुत ही ज़्यादा important है first timer के लिए जो first time cruise पे काम करने जा रहे हैं. उनके जहन में हमेशा ये question होता है ये चीज़ लेके जाई जाए या इसे यहाँ छोड़ा जाए. जी हाँ guys, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लगेज पे. बहुत ही ज़्यादा important है. लगेज एक ऐसी चीज़ है, अगर ज़्यादा लेके जाए तो परेशानी, अगर कम लेके जाए तो परेशानी. तो गाइस मैं आज बताऊंगा और उसके ऊपर रीज़न भी दूंगा आपको कितना लगेज लेके जाना है और क्यों लेके जाना है. सो गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इट विल सेव योर मनी, सेव योर प्लेस इन योर लगेज बैग एंड इट विल डू अ वंडर्स टू यू. सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड स्टार्ट विद दिस वीडियो. वेल गाइस, हमारी लिस्ट में सबसे पहले मोस्ट कॉमन एंड वेरी बेसिक लगेज बैग. गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप किस हिसाब का लगेज बैग लेके जा रहे हो. अगर आपका लगेज बैग काफ़ी छोटा है तो आप बहुत कम लगेज लेके जा सकते हो. अगर आपका लगेज बैग बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको लेके जाने और आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. तो लगेज बैग बहुत ही संभाल के चूज़ करना. मैं बताता हूँ मैंने कौन सा लगेज बैग चूज़ किया है. मैंने ये वाला लगेज बैग यूज़ किया. जी हाँ गाइस, मैं टोटल 3 लगेज बैग लेके जा रहा हूँ. सबसे पहले आता है द लगेज बैग जो नॉर्मल है, इसकी साइज़ ये है, ठीक है. और उसके बाद मैंने एक लगेज बैग दूसरा लिया है, वो है डॉल्फिन बैग बोलते हैं जिसे, 2 टायर्स होते हैं और वो इसकी साइज़ ये है. और तीसरा होता है आपका बैक पैक. ये 3 लगेज बैग लेके जाना ज़रूरी है. अगर आप सोच रहे हो कि 2 मैं बड़े वाले लगेज बैग लेके जाऊंगा तो मैं रेकमेंड करूंगा नो. क्योंकि गाइस आप जहां पर जा रहे हो शिप के कैबिन्स थोड़े छोटे होते हैं, तो अगर आप 2 बड़े लगेज बैग लेके जा रहे हो तो आपको वहां पर रखने में प्रॉब्लम आ सकती है. सो इस बेटर आप एक लगेज बैग लीजिए और एक डॉफल बैग लीजिए. तो डॉफल बैग का फ़ायदा ये होता है, ये पूरा प्लेन हो जाता है. आप इसको कबाट के नीचे ऊपर रख सकते हो, बिस्तर के नीचे डाल सकते हो, खड़ा कर सकते हो कोई भी कोने में. ये इसका फ़ायदा होता है और ये एक लगेज बैग जितना ही बड़ा होता है. और बैक पैक तो आप स्मॉल है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो. सो दीज आर द बैग्स यू हैव टू टेक विथ यू. थैंक यू. वेल गाइज, आफ्टर लगेज विल टॉक अबाउट द मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोथ्स. गाइज ये क्लोथ के वजह से आपका 80% ऑफ लगेज स्पेस इज गॉन. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग क्लोथ्स, बिकॉज आप शिप पे जा रहे हो, बहुत सारे लोगों की यूनिफॉर्म होती है. आप बहुत सारे कपड़े अगर डाल के लेके जा रहे हो आपको पहनने का मौका नहीं मिलेगा और आपका स्पेस ऐसा ही वेस्ट हो जाएगा. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्लोथ थिंग. ये सेक्शन थोड़ा बड़ा होगा बट ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. गाइज अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में, विच इज़ अ फॉर्मल शर्ट. गाइज जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको बताया था, मैं काम करने जा रहा हूँ रिटेल में. रिटेल का यूनिफॉर्म होता है प्रॉपर सूट, उसका मतलब है आई बी वेयरिंग ब्लेजर, उसके अंदर शर्ट, टाई, पैंट, फॉर्मल बूट्स, ये सब मेरे पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म है. लेकिन गाइज अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो जैसे गैली हुआ, किचन डिपार्टमेंट, जैसे अकोमोडेशन, सिक्योरिटी, फ्रंट डेस्क, जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती है, तो प्लीज़ गाइज डू नॉट टेक एनी फॉर्मल शर्ट्स विथ यू, बिकॉज इट विल जस्ट टेक अ स्पेस इन योर लगेज. आपको कुछ भी यूज़ नहीं होगा. अगर आपको तो भी शर्ट्स कैरी करना है, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कैरी अ सेमी फॉर्मल शर्ट जो आप क्रू पार्टी के टाइम, क्रू बार में बाहर जाते टाइम पहन सकते हो. सो प्लीज़ नो फॉर फॉर्मल शर्ट्स. थैंक यू. वेल गाइस जैसे मैंने आपको फॉर्मल शर्ट्स के बारे में बताया, सेम गोज फॉर द फॉर्मल पैंट्स ऑल्सो. आई हैव टू कैरी एटलीस्ट 3 फॉर्मल पैंट्स, सो 4 फॉर्मल शर्ट्स एंड 3 फॉर्मल पैंट्स. अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो जिसमें यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जा रही है, प्लीज डू नॉट कैरी एनी फॉर्मल पैंट्स. येस यू कैन कैरी अ सेमी फॉर्मल पैंट्स वेर यू इट विल बी यूजफुल जब आप बाहर जाते हो और क्रू पार्टी होती है, बस उसी टाइम में यूज होगी और कभी नहीं यूज होगी आपको. वेल गाइस अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्लॉथ के बारे में, वो है टी शर्ट. आप कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वेदर यू वर्किंग इन किचन, वेदर यू वर्किंग रिटेल, वेदर यू वर्किंग अ फ्रंट डेस्क,
आपको जब भी टाइम मिलेगा आप टी शर्ट पहन सकते हो बाहर घूमने के लिए, क्रू बार की पार्टीज के लिए, खाना खाने के लिए, जब आप मेस में जाते हो यू कैन वेयर अ टी शर्ट. सो गाइज आई एम कैरिंग 4 टी शर्ट विच आई बिलीव विल बी मोर देन इनफ. अगर आप 4 टी शर्ट लेके जा रहे हो इनकेस अगर ये कम पड़ता है आपको, यू कैन ऑलवेज बाय अ टी शर्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑन द शिप. टी शर्ट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर सो यू डोंट हैव टू वरी, बट 4 टी शर्ट्स विल बी मोर देन इनफ. थैंक यू. वेल गाइस अब हम बात करेंगे जीन्स के बारे में. जी हाँ गाइस, आप कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हो जीन्स इज ऑलवेज अ यूजफुल पैंट्स टू कैरी विथ यू. सो गाइस प्लीज कैरी एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ जीन्स which will be more than enough. I am taking 2 pair of jeans क्योंकि जब भी crew party होती है you can wear a jeans and whenever you go outside though it's hot but jeans is always good while you going out and it's very comfortable product. So please carry at least 2 jeans pants with you which will be more than enough. 3-4 मत लेके जाना, most of the time you will be in uniform so it will be not useful. 2 jeans done. वेल गाइस अब हम बात करेंगे मेरे वेरी फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में, शॉर्ट पैंट्स. जी हाँ गाइस, शॉर्ट पैंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ शॉर्ट पैंट्स प्लीज बी इट. द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज आपकी शिप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी ट्रैवलिंग इन समर टाइम. समर टाइम का मतलब है गर्मी होना और गर्मी का मतलब है बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होना व्हाइल यू गोइंग आउट. सो आई एम कैरिंग एटलीस्ट 4 पेयर ऑफ शॉर्ट पैंट्स, 2 बाहर जाने के लिए द गुड क्वालिटी वन एंड 2 बॉक्सर्स. बस इतना ही कैरी करना है शॉर्ट पैंट्स में. सो शॉर्ट पैंट्स आर ओवर. वेल गाइस अब हम बात करेंगे ट्रैक पैंट्स के बारे में. गाइस पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ट्रैक पैंट्स. मैं खाली जिमिंग के लिए ट्रैक पैंट यूज़ करता हूँ और मैं शिप पे जिम भी करने वाला हूँ. सो आई एम ओनली कैरिंग 1 ट्रैक पैंट. इट्स अप टू यू, अगर आपको 2, 3, 4 जितनी भी ट्रैक पैंट लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो. मेरा मानना ये है अगर आप शॉर्ट्स पैंट्स के ज़्यादा फैन नहीं हो तो एटलीस्ट 2 ट्रैक पैंट्स लेके जाइए. वेल गाइस अब बात करेंगे ब्लेजर्स के बारे में. गाइस प्लीज इफ यू आर वर्किंग इन किचन अकोमोडेशन सिक्योरिटी एंड अदर जिसमें ब्लेजर की जरूरत नहीं है प्लीज डू नॉट कैरी एनी ब्लेजर विद यू. इट विल बी नॉट यूजफुल. आई एम वर्किंग इन रिटेल शॉप्स सो आई एम कैरिंग एटलीस्ट 2 ब्लेजर्स विद मी. थैंक यू. वेल गाइस अब हम बात करेंगे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के बारे में बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स के बारे में. सबसे पहले हमारे लिस्ट में आते हैं टॉवल्स. गाइस टॉवल इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी बट अगर उनका टॉवल आपको नहीं पसंद आता है सो यू फॉर द सेफर साइड यू कैन एटलीस्ट टेक 1 टॉवल विथ यू. टॉवल के बाद आता है नैपकिन्स. 4 नैपकिन मोर देन इनफ है. ज़्यादा नैपकिन लेके जाने की ज़रूरत नहीं. अगर आपको कम पड़ रहा है आप बाहर से ले सकते हो. नैपकिन के बाद आता है 2 बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट विच इज अंडरवेयर एंड गंजीज. गाइज प्लीज कैरी गुड पेयर ऑफ अंडरवेयर एंड गुड पेयर ऑफ गंजीज. सो आई एम टेकिंग 7 पेयर ऑफ अंडरवेयर एंड 7 पेयर ऑफ गंजी विल बी मोर देन इनफ फॉर मी फॉर 6 मंथ एटलीस्ट. अगर आपको कम पड़ रहा है तो वापस से मैं बोल रहा हूँ यू कैन बाई इट फ्रॉम देयर. वेल गाइज अब हम बात करेंगे बेल्ट के बारे में. गाइज प्लीज कैरी एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ बेल्ट फॉर द सेफर साइड. अगर आपका एक बेल्ट टूट जाता है तो आपके पास दूसरा बेल्ट होना चाहिए. सो एटलीस्ट कैरी 2 पेयर ऑफ बेल्ट. बेल्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल फॉरगेट टू टेक इट विद देम विच इज कैप्स. प्लीज कैरी 2 गुड पेयर ऑफ कैप्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी शिप समर टाइम में ट्रैवल करती है. समर टाइम का मतलब है गर्मी. गर्मी का मतलब है बहुत सारी धूप इरिटेशन. उसको बचने के लिए आप पहनते हैं कैप एंड 2 कैप्स इज मोर देन इनफ फॉर अस. वेल गाइस उसके बाद हम बात करेंगे सॉक्स के बारे में. 4 पेयर ऑफ सॉक्स इज मोर देन इनफ. वेल गाइस अब मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ. प्लीज ध्यान देना. यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट sunglasses. Please guys do not go for a fashionable sunglasses. बहुत सस्ते में बहुत अच्छे अच्छे sunglasses आते हैं. Please do not take that 100 rupees to 100 rupees. शिप पे जा रहे हो थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा करना but please take a polarized one because धूप बहुत होती है. sun reflection बहुत ज़्यादा होता है on board. So please take a polarized good quality sunglasses for you. Thank you.
वेल गाइस, उसके बाद हम बात करेंगे जूतों के बारे में. जूते वेरी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से आप जब जाते हो तो कौन से शूज़ पहन के जाना है. प्लीज वेयर अ वेरी कंफर्टेबल शूज़. सो आई एम वेयरिंग अ स्नीकर्स. आई एम टेकिंग वन पेयर ऑफ स्नीकर्स, वन पेयर ऑफ किटो एंड वन पेयर ऑफ अ ब्लैक शूज. वेरी इंपॉर्टेंट द रीज़न आई एम टेकिंग अ स्नीकर्स बिकॉज यहाँ से जाने के टाइम तो यूजफुल हो गई लेकिन वहाँ पर जाने के टाइम स्नीकर्स पहना जाता है. व्हेन यू गो आउट, व्हेन देयर इज अ क्रू पार्टी एंड ऑल दैट टाइम यू कैन वेयर अ स्नीकर्स. ब्लैक शूज के बारे में अगर मैं बात करूँ, इफ इट्स इंक्लूडेड इन योर यूनिफॉर्म देन ओनली टेक अ ब्लैक शूज विथ यू. इट इज़ इंक्लूडेड इन माई यूनिफॉर्म सो आई एम टेकिंग वन गुड पेयर ऑफ अ ब्लैक शूज. Now I'm talking about keto. I am a very keto lover, so I am always wear a keto. So I am taking one pair of keto with me. Now, very important, sleepers. Do you have to take a sleepers with you? Yes, guys. Please take a sleepers with you because you'll be going on beaches. वहाँ पर sneakers नहीं चलते, ketos नहीं चलते, only sleepers चलते हैं क्योंकि मट्टी अंदर घुस जाएगी, पूरा जूता खराब हो जाएगा. So please carry a good pair of a sleeper with you.